अनिष्का या हाँ तू अभी तक तैयार नहीं हुई, हमें लेट हो जाएगा। मैं तो तैयार हूँ, पर तूने क्या अपना हाल बना रखा है? क्यों, अच्छी तो लग रही हूँ मैं? अरे तेरे बालों की बात कर रही हूँ। ये बाल आज सुबह शैम्पू कराए, अब ये स्प्लिटेंस वाले बालों का क्या इलाज है? बस हार के मुझे बालों को कटवाना पड़ता है, बालों की लेंथ छोटी हो जाती है, तो इसलिए मैंने अभी इन्हें पूछना ही बंद कर दिया। ऐसे कैसे तूने अपने बालों को पूछना बंद कर दिया? चल मैं तुझे बताती हूँ इनका सॉल्यूशन, पर तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? अरे जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब मांग ले। अच्छा तो गाइस आप जल्दी से इसके वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर देना उन सारी लड़कियों के साथ जो अपने बालों को खूबसूरत बनाना चाहती है। और अगर आपने इसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हाँ मैंने तक सब्सक्राइब कर रखा है यार, जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चल तो इसकी तरह मुझे भी काफी सारी हेयर प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, जैसे कि स्प्लिट एंड्स, हेयर डैमेज, और इस वजह से मुझे अपने बालों को बार बार कटवाना पड़ता था और मेरे बाल काफी ज्यादा छोटे हो गए थे। फाइनली मुझे ऐसा सॉल्यूशन मिला जिसे मैं ओकेजनली मल्टीपल एंड एफिशिएंट वेज में यूज कर सकती हूँ। स्प्लिटेंस होने के काफी सारे रीजन होते हैं, या तो हम जब स्टाइलिंग करते हैं तो अपने बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए हीट प्रोटेक्टेंट जब यूज नहीं करते इस वजह से हमें स्प्लिटेंस हो जाती है, और बार बार जब हम नीचे के बालों को ऐसे टच करते रहते छेड़ते रहते ना तो इस वजह से भी हमारे स्प्लिटेंस हो जाती है। तो अपने बालों को बार बार कट करवाना या फिर उस प्रॉब्लम को टोटली इग्नोर करना ये तो कोई बात नहीं हुई, पर मेरे पास आपके लिए ना एक सॉल्यूशन है जो है लॉरियल पैरिस ड्रीम लेंस नो हेयर कट क्रीम। ये जो हेयर क्रीम है ये ना सिर्फ हमारे हेयर केयर के लिए एक कूलेस्ट रेवोल्यूशन है, बल्कि ये हमारे बालों को रीजेनरेट करता है और हमारे जो स्प्लिट एंड्स है उसको सील करता है ताकि हमारे बालों को लंबे होने में हेल्प मिले। अगर बात की जाए इस हेयर क्रीम की तो ये हमारे हेयर कट में एकदम गेम चेंजर की तरह काम करता है। वैसे तो इसके काफी ज्यादा बेनिफिट्स है, बट अगर हम बात करें स्प्लिट एंड्स की तो हमारे पास एक ही मिलता है कि अपने बालों को ट्रिम करवा लो, आपके स्प्लिट एंड्स नहीं होंगे। बट व्हाट इफ कि हमारे स्प्लिट एंड्स ना हो, हमें अपने बालों को बार बार ट्रिम कराने की या कटवाने की जरूरत ही ना पड़े। बट ये जो क्रीम है ये ना सिर्फ हमारे स्प्लिट एंड्स को सील करेगी, इससे हमारे बालों को हेल्दी एंड लॉन्ग बनने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। वैसे तो हम कंडीशनर के नाम पे ऐसा सोचते हैं कि कंडीशनर लगाओ फिर वॉश करो, बट दिस इज द फर्स्ट लिव इन कंडीशनर जो पूरा दिन आपके बालों को ग्लॉसी एंड शाइनी बना के रखेगा। तो इसका एक सॉल्यूशन तो था हम मिड हेयर लेंथ वाली लड़कियों के लिए जिनके स्प्लिट एंड्स है, डैमेज बाल है, बट जिन लड़कियों के लंबे बाल है, लॉन्ग हेयर है, मुझे तो उनके बारे में सोच के डर लगता है कि वो कैसे अपने बालों को मैनेज करती होंगी। वॉश करने से पहले, वॉश करने के बाद उनके बाल इतने ज्यादा टैंगल हो जाते होंगे ना कि बस क्या ही बताएं। तो जिनके लॉन्ग हेयर है वो अपने बालों को मैनेजेबल बना सकते हैं। तो जब भी आपको अपना हेयर वॉश करना हो ना तो उसके बाद आप इस क्रीम को जरूर अप्लाई करें, उसे अपने पूरे हेयर लेंथ पे इस तरीके से अप्लाई करें जिससे आपको डिटैंगल करने में आसानी हो जाए और आपके बाल मैनेजेबल बने रहे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसे यूज करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले आप रीस्टोरिंग शैम्पू से अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। अपने क्यूटिकल की हेल्प से आपको अपने स्कैल्प पर बहुत ही आराम से मसाज करना है ताकि जितना भी डर्ट है वो इजिली रिमूव हो जाए। अब शैम्पू करने के बाद अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप कोशिश करें कि आपके बालों पे जो एक्सेस वाटर है वो रिमूव हो जाए। ऐसा करने से जब हम कंडीशनर अपने बालों में अप्लाई करते हैं तो वो ज्यादा देर तक हमारे बालों में टिका रहता है और पानी के साथ बहता नहीं है। अब इसके बाद हम अप्लाई करेंगे डिटैंगलिंग कंडीशनर। अब बस थोड़ा सा कंडीशनर लेकर आप उसे अपनी पूरी हेयर लेंथ पर अच्छे से डिपॉजिट करें और 5 मिनट तक उसे लगा रहने दें। अब 5 मिनट हो जाने के बाद आप कंडीशनर को अच्छे से वॉश कर लें और अपने एक्सेस वाटर को रिमूव करना ना भूलें। तो अब बारी आती है हमारे मेन स्टेप लॉरियल पैरिस ड्रीम लेंस नो हेयर कट क्रीम की। तो आप अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग इसका एक सफिशिएंट अमाउंट अपने पाम में ले, उसे अपने दोनों हाथ में अच्छे से रब करते हुए अपने पूरी लेंथ पर कुछ इस तरीके से अप्लाई करना स्टार्ट करें। तो हमारा मेन टारगेट है हमारे स्प्लिट एंड्स, तो आप कोशिश करें कि जहां से भी हमारी स्प्लिट एंड स्टार्ट है आप उस एरिया को अच्छे से कवर करें। तो जब आप इसे अच्छे से अपनी हेयर लेंथ पे अप्लाई कर लेंगे उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग अपने बालों को जैसे भी स्टाइल करना चाहते हो स्टाइल कर सकते हो, तभी तो ये लिव इन कंडीशनर कहलाता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम अपने बालों को ओवरहीट करते हैं स्टाइलिंग के लिए तो भी हमें स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो अब से जब भी आपको अपने बालों को स्टाइल करना हो तो आप इसे एज अ हीट प्रोटेक्टेंट की तरह भी यूज कर सकते हो। इससे ये आपके बालों को 180 डिग्री तक प्रोटेक्ट करेगा। इस क्रीम में 3 पावर इंग्रेडिएंट्स है जैसे कि वेजिटल कैरेटिन जो हमारे बालों को हार्श ट्रीटमेंट से बचाता है और हमारी जो डैमेज टिप्स है उनको सील करता है। कैस्टर ऑयल जो हमारे बालों को नॉरिश और ग्रो करने में हेल्प करता है। एसेंशियल विटामिन जो हमारे बालों को स्ट्रेंथ और रिस्टोर करने में हेल्प करता है किसी भी तरीके की ब्रेकेज से।
और ये तीनों इंग्रेडिएंट्स अल्टीमेट सेवियर की तरह काम करते हैं हमारी हेयर लेंथ को रिस्टोर करने में और हमारे जितने भी स्प्लिट एंड्स हैं उनको सील करने में। तो इस नो हेयर कट क्रीम के साथ आप हर ओकेजन के लिए एकदम रेडी हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये क्रीम सल्फेट एंड पैराबेन फ्री है और इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे बालों को हेल्दी और डैमेज फ्री बनाए रखेंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी कि हम लड़कियों के लिए इस एक प्रोडक्ट में वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, जैसे कि हमारे स्प्लिट एंड्स को सील करेगा, हमारे बालों में ब्रेकेज नहीं होने देगा, और तो और हम लड़कियां इस क्रीम को एज अ हीट प्रोटेक्टेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं बिफोर स्टाइलिंग एंड आफ्टर स्टाइलिंग। तो मुझे लगता है कि ऐसा एक प्रोडक्ट तो हम सबको अपने बैग में कैरी करके चलना चाहिए। तो इसके बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसकी पूरी रेंज को एक साथ यूज करें, जैसे कि रिस्टोरिंग शैम्पू, डिटैनिंग कंडीशनर और नो हेयर कट क्रीम, क्योंकि जब हम एक ही रेंज के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो उससे हमें बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर बात की जाए इस नो हेयर कट क्रीम के प्राइस की तो 200 ml आपको 499 rupees में मिल जाएगा और इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करा है, तो उसे चेकआउट करे बिना तो बिल्कुल भी मत जाना। तो अब की बार ना अपने बालों को ट्रिम करने से पहले अपने बालों का अच्छे से ख्याल रखें ताकि आपको बार बार अपने बालों को कटवाने की जरूरत ना पड़े। एंड आई होप आज मैंने आपको जितनी भी टिप्स बताई हैं वो आपके बहुत काम आएगी, मुझे पता है। एंड जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर आप अपने बालों से प्यार करते हो तो जल्दी से लाइक कर दो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।